संघ द्वारा आयोजित विश्व शांति हेतु सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, उसमें सभी संतों, समाज के संतों और सभी महापुरुषों को इसमें जोड़ा गया। हम लोग भी इस आयोजन से जुड़े हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये विश्व शांति हेतु सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। ये हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। विश्व शांति के लिए अगर कोई काम करता है तो वो, मैं तो ये कहूँगी कि बधाई का पात्र है। और साथ ही साथ मैं, होली का पर्व भी है, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। होली का पर्व सबके लिए जीवन में खुशियां लेकर आए और विश्व शांति लेकर आए। पहले तो मैं भरत समा समुद्र जिन्होंने शांति का संदेश दिया, उनके वंदन में आज भारत देश जो है, हम लोग इस कगार पर खड़े दुनिया में कि अशांति पूरी दुनिया में फैली, मानव के हिंसा कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में पूरी दुनिया हल वाल पार के ऊपर खड़ी है। चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च हम सब बने रहें, पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम यहाँ से शांति मार्च बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल से अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए, तो उस शांति को पूरी दुनिया में अमन हो, चैन हो, क्योंकि भारत देश जो है हमेशा अहिंसा का एक मरकज रहा है, अहिंसा का एक प्लेस रहा है। भगवान बुद्ध की 2500 वर्ष की शिक्षा है मध्यम मार्ग, और आप अगर आपने देखे तो पंचशील ही दुनिया का सबसे बड़ा करुणा का सबसे बड़ा माध्यम रहा है। यहाँ के सभी, भारत को पूरे दुनिया का धर्म धार्मिक केंद्र कहा जाता है, इसी संदर्भ में यहाँ पर पद यात्रा का आयोजन। आपका नाम? भंते दीक्षा भूमि बुद्ध के। विश्व शांति के लिए आज और सर्वधर्म जो यहाँ का मैत्री संघ है, उस जो आयोजक है इसके, उनके द्वारा आज की रैली अंबेडकर से रवाना हो रही है, और आज यहाँ पर तमाम अमन चैन और मंगल में मामला रहे सब लोगों के लिए। और अजमेर क्योंकि सद्भावना की नगरी है, क्योंकि यहाँ ख्वाजा साहब और ब्रह्मा नगरी है, जो एक सांप्रदायिक सौहार्द प्रति पूरे विश्व में जानी जाती है, तो एक संदेश यहाँ से जाएगा, उसलिए आज ये रैली, उसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी धर्म गुरु के आवश्यक लोग मौजूद हैं, और आज इस रैली से एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, इसी उद्देश्य को लेकर ये रैली निकाली जाएगी। कहाँ से कहाँ जाएगी ये रैली? अंबेडकर से होती हुई आगरा गेट से नसिया जी गंज गुरुद्वारा और दरगाह शरीफ पर जाकर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर जाकर वहाँ समाप्त होगी। आपका पक्ष? आरिफ हुसैन। प्रार्थना के लिए आज ये सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। ये रैली यहाँ से प्रारंभ होकर आगरा गेट चर्च, हनुमान मंदिर आगरा गेट, सोनी जी की नशियाँ गंज गुरुद्वारा होते दरगाह शरीफ पर समाप्त होगी। प्रतिवर्ष सर्वधर्म मैत्री संघ ये सद्भावना यात्रा निकालता है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि पूरे अजमेर शरीफ से पूरे देश और दुनिया को ये संदेश जाए कि अजमेर सद्भावना का शहर है, भाईचारे और अमन का शहर है, यहाँ से किसी भी प्रकार, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास हर साल किया जाता है। तो सर्वधर्म मैत्री संघ और हमारे बोध भाई की तरफ से, पूरा बोध फेडरेशन की तरफ से इस आयोजन का ध्यान रखा गया है। आपका नाम? प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ। विश्व शांति के लिए सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सभी धर्म के गुरु शामिल हो रहे हैं, और हम जो कहते हैं हमेशा उसको हम महसूस करें, हम सबका पिता परमात्मा एक है, हम सब एक हैं, उस एक के संदेश को हमें चारों ओर फैलाना है। और जो विश्व शांति की कामना हम सभी करते हैं, उसके लिए विशेष ये संदेश यहाँ से इस रैली के द्वारा दिया जाएगा। आपका नाम? ब्रह्मा कुमारी आशा।